कृपया ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने जनरल की टिकट कटा चुकी है और हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन आधे एक घंटा लेट है लेकिन आएगी ज़रूर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और जनरल की टिकट कटाना ज़रूरी है, कुछ लोग टिकट नहीं कटाते, पैसा बचाते हैं पर आगे उनका कटता है, फाइन कटता है, कुछ नहीं 400-500 का फ़ाइन कटता है, फिर वो दे भी देते हैं कोई बात नहीं, पर मेरे हिसाब से जनरल का टिकट कटाना ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसी ट्रेन आती है हम उसमें बैठते हैं और उज्जैन जाते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, हम फाइनली उज्जैन पहुंच चुके हैं। हम करीबन भोपाल से 9:30 बजे निकले थे और यहाँ पर 12:30 बजे पहुंच गए 3 घंटे में। और आज भीड़ भाड़ भी उतनी ज़्यादा है नहीं है। और आज खास बात यह है कि आज सोमवार है और आज हम महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। तो मंदिर से निकलते ही मैं आपको मंदिर किस रास्ते में जाना है वो बताने वाला हूँ। और हमारी जो ट्रेन है, ये जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से 7:20 में उदयपुर राजस्थान के लिए। तो हम जब तक महाकाल लोग घूमेंगे, थोड़ा उज्जैन में घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा वीडियो एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी घुमाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप ये गेट के बाहर निकलते हो और आपको मात्र 50 मीटर चलना है, 50 मीटर चल के ही आपको वो दिख जाएगा गेट। ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये ट्रैफिक सिग्नल के बाजू से ही गेट है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही वो गेट है, यही गेट से हम सीधे जाएंगे तो हमको मंदिर आ जाएगा। यहीं से सीधा जाना है और हमको मंदिर का रास्ता मिल जाएगा। तो हम यही इसी गेट से सीधे जाते हैं मंदिर के रास्ते। तो दोस्तों हमको सीधे जाना है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर है मंदिर और वहीं पर सारे होटल्स हैं। तो हम होटल में खैर रहेंगे नहीं, हमको रात नहीं रुकना है, हमको नहाना धोना है। और मैं आपको एक होटल बता दूंगा जहाँ 50 रुपये में आप फ्रेश हो सकते हो। धर्मशाला में बहुत भीड़ मिलती है तो वो आपको बताता हूँ मैं। और ये पूरा मार्केट वो एरिया है यहाँ का, जिस रास्ते से जाओगे आप, ये यहाँ से चालू हो गया है। और मैं हर बार आता हूँ यहाँ पर और हर बार मैं एक ही होटल में जाता हूँ और वहाँ फ्रेश होता हूँ और एक ही जगह से प्रसाद लेता हूँ। तो मैं आपको मिलाता हूँ उन लोगों से जहाँ मैं होटल में जाता हूँ। 50 रुपये बस लगते हैं दोस्तों। ये बहुत सारे होटल्स हैं और ये एक जो गली आ रही है, ये गली से हमको कटना है और वहीं पर मेरा होटल है। 50 रुपये में नहाना धोना होता है ये गली में। थोड़ी और आगे चलेंगे, वो होटल का नाम भूल गया यार मैं, क्या था देखना पड़ेगा। ये होटल है, ये देखिए भैया, ये होटल आ गया है। 50 रुपये में नहाना धोना, ये देखिए। देखिए दोस्तों ये रूम है, तो हमें यहाँ रुकना नहीं है, फ्रेश होके निकलना है। ठीक है, हमको जल्दी से फ्रेश होना, फिर मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा और महाकाल लोक के दर्शन कराऊंगा, फिर उसके बाद खाना कहाँ खाते हैं मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा। तो ये रूम देखिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आया था, भैया ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा, मुझे गर्म पानी दिया। ठीक है, और यहाँ पर चार्जेस कम है, आप आ सकते हो। और भैया एड्रेस बता दीजिए ना मेरे को। एड्रेस है वो 33 हरी फाटक रोड नियर महाकालेश्वर मंदिर, 2 किलोमीटर की गली के सामने। ट्रीटमेंट मिलेगा हमारी तरफ से, आप जो सबसे बेटर होगा हम वो करके देंगे। अगर वो हमें पहले से कांटेक्ट करेंगे तो हम उनकी भस्म आरती की बुकिंग भी करवा देंगे, पहले से बुकिंग डालवा देंगे और नियर के जो उज्जैन के नियर के दर्शन है वो सारे करवा देंगे, मंदिर की विजिट करवा देंगे। इसके अलावा ज़्यादा लोग आएंगे, पहले से बुकिंग करवा देंगे, उनको ओंकारेश्वर की दर्शन भी करवा देंगे उनको। और मतलब सर होटल रेंट क्या है? होटल रेंट 24 आवर्स 24 आवर्स का तो नहीं होता है यहाँ उज्जैन में। उज्जैन में होता है मॉर्निंग 9 AM का चेकआउट टाइम, चेकआउट कंपलसरी होता है। लेकिन आप आएंगे तो हम आपके थ्रू आएंगे ना, तो हम उनका थोड़ा 2-3 घंटे और आगे रख लेंगे, चार्जेस भी बहुत रीजनेबल रख लेंगे। जी सर, और बिहेवियर तो आपने देख ही लिया है भाई, फ्रेंडली है। मैं हर बार आता ना इसलिए, जी परमानेंट है मेरा। ओके ठीक है भैया, मिलते हैं फिर।
तो दोस्तों होटल से निकलने के बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ मंदिर, और उससे पहले हम जहाँ से परमानेंट प्रसाद लेते हैं वहाँ चलेंगे और उनसे भी मिलाएंगे, वो दीदी से भी। तो दोस्तों अभी वो दीदी के पास चलेंगे। अभी मैं कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ हैंडसम। मैं लेके चलता हूँ उनको। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, ये देखिए श्री चिंतामणि, और ये मेरा रेस्टोरेंट है जहाँ मैं खाना खाता हूँ, ये स्वरुचि भोजनालय, 120 रुपए की थाली है। अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों वो दीदी की दुकान आ गई है, दिखाता हूँ आपको। ये है वो दीदी की दुकान, मैं हर बार आता हूँ। इस बार ब्लॉग बनाने मैंने वो ब्लॉग है, फिर यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो मतलब मैंने बोला आपका परमानेंट कर दूँ, यहाँ से प्रसाद लीजिएगा। अच्छा। दीदी का यहाँ पर बैग भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने प्रसाद ले लिया है, नारियल ले लिया है, एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से प्रसाद नहीं संभल रहा। और हम मंदिर के ऊपर जा रहे हैं। अब देखते हैं मैं आपको दर्शन करा पाऊँ तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे को ये वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा। खड़े रहते जब तो दोस्तों हमने दर्शन कर लिया है, और उन्होंने हमें मोबाइल लेके जाने नहीं दिया था, तो इसलिए हमने बिना मोबाइल के आपको दर्शन नहीं करा पाया। तो अभी पता नहीं उनको क्या हो जाता है यार, कभी भी मोबाइल जमा करवाते हैं, कभी भी कुछ भी करवाते हैं। छोड़ो यार, पब्लिक कम थी इस कारण मोबाइल जमा करवा रहे थे। तो मैं अभी जा रहा हूँ खाना खाने, और मैं जहाँ से खाना खाता हूँ वहाँ रेस्टोरेंट आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों हम रेस्टोरेंट आ गए हैं, ये यहाँ पर मैं नहीं वहाँ पे खाते थे, भूल गया मैं खुद, आगे आगे स्वरुचि भोजनालय, मैं खुद भूल गया। ये स्वरुचि भोजनालय है, स्वरुचि भोजनालय है, यहाँ पर थाली खाएंगे हम। भैया एक थाली लगा देना। यहाँ हम थाली खाएंगे, 120 रुपए थाली है, थाली प्लेट है 120 रुपए की, और अच्छा खाना बनता है यहाँ पर। आप कभी भी आएगा तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, बहुत अच्छा खाना बनता है। तो दोस्तों हमारी थाली आ चुकी है, ये है दाल, ये है कढ़ी, ये कढ़ी की सब्जी है, ये है आलू की सब्जी है, और ये कुछ अलग प्रकार की सब्जी है, पर खाना अच्छा बनता है यहाँ पर। तो हमारी रोटी आने की है, तो अभी खा पी के फुर्सत होते हैं, फिर उसके बाद आपको वहाँ का लोग घुमाऊँगा। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है, और पहले बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन अब क्या खाना क्या खा लिया ऐसा लग रहा है सो जाओ, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। और सॉरी मैं आपको महाकाल लोक नहीं घुमा पाऊँगा, क्योंकि मेरे ट्रेन का टाइम अलग हो रहा है, और मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो आधा एक घंटे का समय लग ही जाएगा, 7:30 बजे की मेरी ट्रेन है। तो अगली बार आऊँगा तो अगली बार आपको उसको विज़िट करवा दूँगा। वैसे वहाँ घूमने लायक कुछ है ही नहीं है, वहाँ मूर्तियाँ हैं और कुछ नहीं है। तो अभी मैं निकलता हूँ, नेक्स्ट बार पक्का आपको पक्का घुमाऊँगा, क्योंकि यार सामने वाले ने इतना अच्छा खाना बनाया था कि सोने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं वापस रेलवे स्टेशन, और फिर वहाँ से हमारी गाड़ी मिलेगी वीरभूमि एक्सप्रेस, जो हमें उदयपुर राजस्थान लेके जाएगी। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों हम फाइनली उज्जैन के रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं, पैर बड़े दर्द दे रहे हैं, क्योंकि कल का भी ट्रैवल हो गया, आज भी ट्रैवल करना है। और ये बाहर का लुक बता रहा हूँ उज्जैन के रेलवे स्टेशन का आपका, ये देखिए दोस्तों ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन है, अच्छा बन गया है वैसे तो। और अब हम प्लेटफॉर्म में जाएंगे, एंटर करेंगे, अच्छा
अच्छा व्यू है, खुश है पक्षी। दोस्तों हम एंटर कर रहे हैं रेलवे स्टेशन में, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। उफ, ये सीढ़ियाँ बहुत चढ़ना पड़ता है यार। हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 मिलेगा हमको यहाँ। दोस्तों ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4, इधर है प्लेटफॉर्म नंबर 4 में जाएंगे। हमारी ट्रेन आएगी यहाँ पे, तो दोस्तों मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, जैसी ट्रेन आएगी मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यार, मैं कंटिन्यू करूँगा बस थोड़ी देर रुक के, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी उदयपुर की ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए ये उदयपुर की ट्रेन आ रही है हमारी। और अब ट्रेन रुकेगी तो हम अपनी सीट में बैठेंगे, बस ट्रेन रुक जाए बस। तो दोस्तों ट्रेन रुक गई है और हमारा कोच है S7 और हम इसमें बैठेंगे। पहले पब्लिक को बैठने दो क्योंकि ट्रेन 15-20 मिनट रुकेगी और हम अपनी सीट में पधारेंगे अब जाके। तो चढ़ते हैं S72। अच्छा नहीं लग रहा है। S72 अंकल मेरी सीट। तो दोस्तों ट्रेन छूट चुकी है और अब हम मिलेंगे रतलाम में, वहाँ के आलू बड़े खाएंगे। तो दोस्तों अभी हम रतलाम आ चुके हैं, तो यहाँ के आलू बड़े बहुत फेमस है, तो सबसे पहले हम आलू बड़े खाएंगे। देखता हूँ मैं लगातार। तो आलू, तो दोस्तों ये रतलाम है और रतलाम आए और यहाँ के आलू बड़े नहीं खाए तो क्या रतलाम आए। तो सबसे पहले हम लेंगे आलू बड़े हमारे, मैं हर बार आता हूँ तो यहाँ के आलू बड़े ज़रूर खाता हूँ। ये आलू बड़े ये कितने की है? एक दो आलू बड़े। ये कितने की है? वो अलग है, थोड़ा मसाला ज़्यादा उसमें। ये पोहे की जरूरत है। ये हमारे आलू बड़े खाएंगे हम। मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, एक ही खाऊंगा यार, पेट भरा है ऑलरेडी मेरा। तो दोस्तों हमने आलू बड़े खा लिए और हम जा रहे हैं ट्रेन में सोने। अब सुबह उठेंगे 4 बजे जब उदयपुर पहुंचेंगे, तो हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पहुंच गए हैं उदयपुर सिटी राजस्थान और सुबह के 4:15 हो रहे हैं और अभी जो हालत है हमारी बहुत बुरी है। यहाँ बहुत ठंड है, फटे तक ठंड है। और ये देखिए, ये 2 दिन से ट्रैवल करके मैं आया हूँ और ये मेरा आखिरी सफ़र है वाला। आखिरी मतलब नहीं, ये उदयपुर में मेरा आखिरी सफ़र है और 35 बार हो चुका मेरा आते वक्त। मैं आगे भी बताऊँगा मैं यहाँ क्यों आता था।
तो सबसे पहले हम उदिया पॉल जाएंगे, वहाँ चाय पियेंगे और फिर उसके बाद हम वी आर होटल जाएंगे मल्ला तली चौरा। ये हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, आगे है एग्ज़िट पॉइंट और वहाँ से हम जाएंगे चाय पीने। एग्ज़िट पॉइंट यहाँ से जाएंगे। ये देखो दोस्तों एग्ज़िट, और यहाँ से हम 10 मिनट का रास्ता है उदिया पॉल का, वहाँ जाएंगे और चाय पियेंगे। तो दोस्तों ये उदिया पॉल है और यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ के पोहे और चाय बहुत फेमस है, तो हम सबसे पहले चाय पियेंगे, बाद में पोहे वोहे लगेंगे, पोहे खाएंगे। भैया चाय देने के। तो दोस्तों हमने चाय पी ली है और यहाँ हम ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो आएगी फिर हम वी आर होटल जाएंगे मल्ला तलाई चौरा। 30 रुपये लेता है चौरा का, मल्ला तलाई चौरा का, तो बस वो ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑटो आएगी फिर हम उसमें ऑटो में बैठ के मल्ला तलाई चौरा जाएंगे। तो दोस्तों ऑटो हमारी आ गई है। भैया भैया मल्ला तलाई चौरा, तो दोस्तों हम मल्ला तलाई चौरा आ चुके हैं और ये जो नगर निगम उस सिटी में चला रही है ये ऑटो, ये सही है, उनने 8 किलोमीटर का 30 रुपये लिया मेरे से, बाकी जो प्राइवेट वाले हैं वो 250-300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो कभी आप आओगे तो ये नगर निगम जो ऑटो चला रही है उसी से आना। तो अभी हम चलेंगे होटल में, ठीक है, और होटल में चेक इन करेंगे। और ये होटल हमारा ये रहा पास में, वो वी आर होटल, रुकिए पास से दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा होटल वी आर होटल। अभी अंधेरे में आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, इनने ताला खोल के रखे कि नहीं रखे देखेंगे। हाँ यार गेट खोला ही है, ये रहता है व्यवहार, ये देखिए गेट खोला है। ये रहा हमारा होटल। भैया चावी 201। सेकंड फ्लोर तो हमारा है 201। और तो दोस्तों मोबाइल की बैटरी जाने वाली है और मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर मैं आपको मिलता हूँ नहा धो के फ्रेश हो के उदयपुर का ब्लॉग बनाऊँगा और दूसरे सेकंड एपिसोड में डालूँगा एंड ऑफ जर्नी, ये टाइटल है एंड ऑफ जर्नी। तो ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग चालू करते हैं जल्द। टेक केयर, बाय दोस्तों।